ये बात तो आप और हम सभी जानते हैं कि नए साल के शुरुआत में ही टीम इंडिया श्रीलंका की मेहमानबाजी करने वाली है, जहां पर 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएंगी। वनडे सीरीज पर सभी की निगाहें हैं, क्योंकि इस साल वनडे वर्ल्ड कप भी तो खेला जाएगा और उस लिहाज से इस सीरीज का एक एक मुकाबला महामुकाबला टीम इंडिया के लिए बन जाता है, और खासतौर पर प्लेइंग 11 को लेकर, क्योंकि हर किसी की निगाह इस बात पर टिकी है कि वनडे वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होगी और उसकी तस्वीर श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले से ही साफ हो जाएगी। जी, हम आपको बताने वाले हैं श्रीलंका के खिलाफ भारत की पहले वनडे मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 में इतनी ज्यादा उथल पुथल क्यों है और आखिरकार क्या रहेगी भारत की प्लेइंग 11, जिसकी तस्वीर खुद रोहित शर्मा ने साफ कर दी है। किन खिलाड़ियों को मौका मिलेगा, किन दिग्गजों को रोहित ने फिर बाहर का रास्ता दिखाया है, क्योंकि बार बार हार से अब रोहित भी परेशान है। अब रोहित भी चाहते हैं वनडे वर्ल्ड कप पर कब्जा जमाना, इसलिए प्लेइंग 11 पर कुछ बड़े बदलाव किए हैं, आइए आपको बताते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं पहले वनडे मुकाबले के लिए भारत की प्लेइंग 11 क्या रहेगी। लेकिन उससे पहले कि आपसे छोटी सी राय जानना चाहेंगे, क्या भारत वनडे वर्ल्ड कप के लिए पूरी तरह से तैयार है या फिर भारत की टीम में अभी भी कुछ बदलाव होने चाहिए? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय इस टॉपिक के बारे में जरूर बताइएगा। तो जी हाँ, भारत नए साल के शुरुआत में ही वनडे सीरीज से आगाज करने जा रहा है, लेकिन इसके लिए टीम इंडिया में कुछ बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। जैसे अगर आप देखेंगे तो इसके लिए अवेलेबल नहीं है जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, ऋषभ पंत को भी अब बाहर का रास्ता दिखाया गया है, शिखर धवन को बाहर कर दिया गया है, संजू सैमसन को एक बार फिर स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया है। तो ये कुछ बड़े यहाँ पर रोहित शर्मा ने डिसीजन लिए थे, लेकिन इसके बावजूद भी भारत की प्लेइंग 11 पर भी काफी ज्यादा माथापच्ची है। चलिए एक एक करके जानते हैं भारत की क्या रहेगी प्लेइंग 11 और किस तरह से रोहित शर्मा की ये टीम खूंखार नजर आती है। सबसे पहले कप्तान रोहित शर्मा का नाम ओपनिंग पेयर में आ जाता है, कप्तान है इसलिए प्लेइंग 11 का हिस्सा भी रहेंगे, और जब ये प्लेइंग 11 का हिस्सा है तो ओपन ही करेंगे। बतौर बल्लेबाज इनके ऊपर अब अच्छी पारी खेलना, पावर प्ले को डोमिनेट करना, अपनी फॉर्म और लय ढूंढने की जिम्मेदारी इस श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में तो रहने ही वाली है। लेकिन इसके साथ साथ में अच्छी कप्तानी के साथ में भी टीम इंडिया की प्लेइंग 11 को लेकर भी इनके लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स रहेंगी, क्योंकि बहुत से खिलाड़ी हैं जिन्हें आप मौका देना चाहते हैं लेकिन खिलाएंगे तो किसी 11 खिलाड़ी को ही। तो रोहित शर्मा प्लेइंग 11 में पहले पायदान पर आते हैं कप्तान के तौर पर और एज अ ओपनर बैट्समैन के साथ में। इनके साथ में कौन आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी हाँ, ईशान किशन बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज अपनी जगह ओपनिंग पेयर में पक्की कर चुके हैं। खासतौर पर ईशान किशन ने जब बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी वनडे मुकाबले में जो शानदार दोहरा शतक लगाया था, उसके बाद उनकी फॉर्म और लय तो फिर क्या ही कहने। ईशान किशन के केवल एक दोहरा शतक लगाने से कुछ नहीं होगा, उन्हें अपनी बल्लेबाजी से लगातार कंसिस्टेंसी, विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाना और टीम इंडिया के लिए एक तुरुप का इक्का बनकर यहां पर अपना प्रदर्शन करना होगा। तो एक बहुत बड़ी बात होगी ईशान किशन के लिए कि उस दोहरे शतक के बाद जो लय और फॉर्म मिली है उसको आगे बढ़ाया जाए, टीम इंडिया के लिए अच्छी डोमिनेटिंग पारी खेली जाए। इसीलिए ईशान किशन का भी खेलना ओपनिंग पेयर में तय हो चुका है। नंबर 3 पर विराट कोहली का नाम है, इसमें भी कोई दोहराय नहीं है, क्योंकि विराट कोहली अपनी फॉर्म और लय दोनों ढूंढ रहे हैं और श्रीलंका के खिलाफ इन 3 मैचों की वनडे सीरीज में उनकी पूरी उम्मीद है, क्योंकि यहां पर विराट अगर फ्लॉप होते हैं तो फिर दबाव में आएंगे जरूर, लेकिन अगर यहां पे फॉर्म और लय ढूंढ लेते हैं तो उनके बल्ले से रन आना शुरू हो जाएंगे, जो टीम इंडिया के लिए एक अच्छे संकेत हो सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप सर पर है और उस लिहाज से भी विराट कोहली का फॉर्म और लय में आना जरूरी हो जाता है। इसलिए विराट कोहली आपको तीसरे पायदान पर नजर आएंगे। चौथे पायदान पर टीम इंडिया के मिस्टर 360 डिग्री यानी सूर्य कुमार यादव का भी खेलना तय माना जा रहा है। सूर्य कुमार यादव ने T20 में तो झंडे गाड़ दिए हैं, अपनी अच्छी बल्लेबाजी की वजह से लगातार टीम की प्लेइंग 11 का हिस्सा भी रहे हैं, लेकिन अब वनडे में अपनी प्रदर्शन से टीम के लिए बड़ा योगदान देना चाहेंगे। श्रीलंका के खिलाफ इस वनडे सीरीज में सूर्य कुमार यादव की जगह प्लेइंग 11 में पक्की मानी जा रही है। अब वनडे में भी उन्हें दिखाना होगा कि वो मैदान के हर कोने में रन बना सकते हैं, उस धैर्य के साथ में खेल सकते हैं और जरूरत पड़े तो फिर विस्फोटक पारी तो ये खेलते ही है, फील्डरों के साथ ये खिलवाड़ तो करते ही है कहीं ना कहीं। सूर्य कुमार यादव चौथे पायदान पर आपको बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देने वाले हैं। पांचवे पायदान को लेकर काफी ज्यादा घमासान है, लेकिन इसमें बाजी श्रेयस अय्यर मार जाते हैं। श्रेयस अय्यर ने पिछले कुछ वनडे मुकाबलों में लगातार शतक और अर्धशतक लगाए हैं। वनडे मुकाबलों में श्रेयस अय्यर ने अपनी बल्लेबाजी का नमूना पेश किया है और जिसकी वजह से अब टीम इंडिया इसे प्लेइंग 11 से बाहर नहीं कर सकती है। भले ही विराट खेल रहे हो लेकिन आप श्रेयस अय्यर को नजरअंदाज नहीं कर सकते, इसीलिए पांचवे पायदान पर श्रेयस अय्यर का खेलना तय माना जा रहा है।
श्रेयस अय्यर के ऊपर श्रीलंका के खिलाफ अपनी उस फॉर्म और लय में बरकरार रहना चाहेंगे जो उन्हें मिल चुकी है और उसे कंटिन्यू करना चाहेंगे। श्रेयस अय्यर जो जरूरत पड़ने पर फिनिशिंग टच दे सकते हैं और मिडिल ऑर्डर में आकर टीम इंडिया को अच्छी पारी को संभालने की कला ये भी जानते हैं, इसीलिए ये भारत के लिए बड़े खिलाड़ी साबित हो रहे हैं, खासतौर पर ओडीआई फॉर्मेट में। सिक्स्थ पोजीशन पर नाम खुद उपकप्तान हार्दिक पांड्या का जाता है। जी हां, छठवें पायदान पर हार्दिक पांड्या आपको बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे और इस बार तो इन्हें प्रमोट भी किया गया है, यानी उपकप्तान बनाया गया है। हो सकता है रोहित इंजर्ड हो जाए और बाहर है तो फिर वो कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या ही कप्तानी करेंगे, लेकिन देखने वाली बात यह है कि हार्दिक पांड्या जो है वो अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से किस तरह का परफॉर्मेंस देते हैं, खासतौर पर ओडीआई मुकाबलों में, क्योंकि ये भारत के आगे आगामी कप्तान के तौर पर देखे जा रहे हैं। इसीलिए हार्दिक पांड्या के ऊपर भी काफी ज्यादा दबाव रहेगा, बतौर बल्लेबाज, बतौर फील्डर और बतौर गेंदबाज ये अपना अच्छा प्रदर्शन करने की पूरी कोशिश करेंगे। इनके बाद में सेवंथ पोजीशन पर नाम वॉशिंगटन सुंदर का आ जाता है। वॉशिंगटन सुंदर ने पिछले वनडे मुकाबलों में अच्छा प्रदर्शन किया है, बल्लेबाजी में अभी काफी अच्छे दिखे हैं और गेंदबाजी तो खैर कमाल के ही करते हैं, टीम इंडिया के लिए एक अच्छे ऑलराउंड विकल्प बनकर आ रहे हैं और अगर जो इनकी गेंदबाजी और थोड़ी सुधार आ जाए तो फिर ये एक अच्छे ऑलराउंड की प्लेटफॉर्म प्रदान करेंगे। लेकिन वॉशिंगटन सुंदर का श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलना तय माना जा रहा है और वॉशिंगटन सुंदर तो भारत की वर्ल्ड कप के लिए भी कहीं ना कहीं हिस्सेदार बताए जा रहे हैं। वॉशिंगटन सुंदर के बाद में नाम जो आता है वो एट्थ पोजीशन पर नाम आ जाएगा कुलदीप यादव का। जी हाँ, कुलदीप यादव ने पिछले कुछ वनडे मुकाबलों में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है, टेस्ट में वो लय हासिल कर चुके हैं, लगातार विकेट चटका रहे हैं और अब तो वनडे में भी काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर कप्तान रोहित शर्मा तीनों वनडे मुकाबलों में अपना प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाते हैं तो ये फॉर्म और लय ढूंढेंगे और कहीं न कहीं अपनी गेंदबाजी के आगे श्रीलंकन बल्लेबाजों को ध्वस्त करेंगे। कुलदीप यादव टीम इंडिया के लिए एक अच्छे विकल्प हो सकते हैं और इन्हें ये करके दिखाना होगा, क्योंकि टीम इंडिया को चाइना मैन जो है वो एक ही है और वो है कुलदीप यादव, इसीलिए अपनी इसे गेंदबाजी से अपना नमूना पेश करना होगा कुलदीप यादव के साथ में। अब बात करते हैं तीन तेज गेंदबाजों के बारे में। सबसे पहला नाम तेज गेंदबाजों में मोहम्मद सिराज कहा जाएगा, कोई दो राय नहीं है। तेज गेंदबाजों के साथ में अग्रेशन, विकेट लेने की काबिलियत इनकी अलग ही है, बल्लेबाजों के साथ में ये खिलवाड़ करना जानते हैं, जरूरत पड़ने पर विकेट चटकाना जानते हैं और एक युवा खिलाड़ी है, इनका अग्रेशन ही अलग लेवल पर जाता है और कहीं न कहीं टीम इंडिया के लिए तुरुप के एके साबित हो रहे हैं। पिछले कुछ मुकाबलों में टेस्ट में भी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन मोहम्मद सिराज ने किया है, टेस्ट में तो खैर ये प्लेइंग 11 के अभिन्न अंग बन चुके हैं और अब वनडे में भी वैसा ही कर रहे हैं। इनके साथ में नाम मोहम्मद शमी का भी आ गया है, मोहम्मद शमी फिट है और कहीं न कहीं अपनी गेंदबाजी से अब तेवर दिखाने होंगे। मोहम्मद शमी टीम इंडिया के वर्ल्ड कप प्लान का हिस्सा है, लेकिन अगर इस सीरीज में अच्छा करते हैं तो हिस्से ही नहीं बल्कि 100% वो आपको स्क्वाड में भी नजर आएंगे, लेकिन देखने वाली बात है कि मोहम्मद शमी चोट से जूझ रहे हैं, पिछले कुछ समय से गेंदबाजी की नहीं है और फिटनेस भी उस लेवल पर इनकी है नहीं, तो देखना होगा किस तरह से ये गेंदबाजी करते हैं और खासतौर पर श्रीलंका के खिलाफ कैसे यहाँ पर गेंदबाज साबित होते हैं। लेकिन 11वें पायदान पर नाम उमरान मलिक आ जाता है। उमरान मलिक भी टीम इंडिया के लिए तुरुप के एके साबित हो रहे हैं, वनडे मुकाबलों में इन्हें लगातार मौका मिल रहा है, बतौर तेज गेंदबाज इन्हें बहुत अच्छी यहाँ पर बात करके दिखानी होगी, तो कुल मिलाकर उमरान मलिक का भी भारत की प्लेइंग 11 का अभिन्न अंग बनाया जा रहा है और इन्हें भी अपनी गेंदबाजी से यहाँ पर ट्रेलर और पिक्चर पूरा दिखाना होगा। यह है भारत की प्लेइंग 11 अगेंस्ट द श्रीलंका फॉर द ओडीआई सीरीज। अब आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताएं।